चलिए अपने बाकी रिपोर्टर्स के पास चलते हैं और इस वक्त कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल माफ कीजिएगा, बिलाल मैं आपके पास आना चाहूंगी। बिलाल बताइए इस वक्त फैंस में कैसा जोश नजर आ रहा है और क्या वो उम्मीद कर रहे हैं, एक तरफा मुकाबले में भारत जीत रहा है क्या आज? भाई आ जाओ। जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, इंग्लैंड जहां पर जो है वो इस वर्ल्ड विश्व कप में आखिरे पायदान पर है, तो वहीं भारत जो है वो पहले पायदान पर आने की कोशिश करेगा। इस वक्त मैं कुछ फैंस के साथ में हूं जो कि खुद क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि कितनी एक्साइटमेंट है आज विश्व कप में इंग्लैंड और भारत का मुकाबला होने वाला है। इंग्लैंड जहाँ आखिरी पायदान पर है, भारत दूसरे पायदान पर, कितना एक्साइटमेंट है आज के मैच को लेकर? टोटल एक्साइटमेंट है सर, ऑलरेडी सबसे आगे हम लोग लीड कर रहे हैं और आज भी लीड ही करने वाले हैं। इंग्लैंड पीछे इतने दिनों से हारती चली आ रही है, इस बार फिर हार के जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से रोहित शर्मा की कप्तानी उभर करके आई है, एक भी इंडिया ही एक ऐसी टीम है जो अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है, कितना फक्र महसूस होता है इस बात पर? बहुत फक्र, अपना अच्छे कैप्टन वाली इंडियन टीम के पास, कितने सालों से खेल रहे, इतनी सेंचुरीज बना रहे, अच्छा कर रहे हैं, इस बार भी अच्छा ही करेंगे हम, तो कहेंगे उनसे। विराट कोहली की अगर हम बात करें तो रन मशीन की तरह वो एक बार फिर से उभरे हैं, बल्ला जो है उनका आग गरज रहा है, आज क्या उम्मीद है उनके बल्ले से? 100 है आज, 100 है उनकी सर, आज सेंचुरी मारेंगे वो। अच्छा, मतलब आज जो सचिन का 49 वनडे शतक का रिकॉर्ड है उसकी बराबरी कर पाएंगे? बिल्कुल, विराट कोहली आज 100 से अपना सेंचुरी देगा, नेक्स्ट सेंचुरी, और इंडिया मैच भी जीतेगी आज। ठीक है, तो देखिए प्रीति, यहाँ पर जो फैंस हैं उनकी रोहित शर्मा की कप्तानी और विराट कोहली के बल्ले से जो है वो काफी ज्यादा उम्मीदें जो है वो जरूर हैं। बॉलर्स की अगर हम बात करें तो जिस तरीके, बिल्कुल बिलाल, पिछले मुकाबले में विराट कोहली अपने शतक से भले ही चूक गए हो, लेकिन जहां पर भी आप जाइए, जिस भी मैदान में मैच होने वाला है, हर किसी को उम्मीद रहती है कि विराट कोहली आज सेंचुरी बनाएंगे। और देखिए ये एक और आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर, कुल मैच जो ODI वर्ल्ड कप्स में भारत और इंग्लैंड के बीच हुए हैं 8 हैं, भारत ने 3 जीते हैं, इंग्लैंड 4 जीते हैं और एक मुकाबला टाई हुआ है। इसमें थोड़ा सा मार्जिन है इंग्लैंड की टीम के पास जिसमें उन्होंने ज्यादा जीत हासिल की है। अब मैं चलती हूं GS विवेक के पास एक बार फिर से। आज जो दूसरा बड़ा सवाल सबके सामने है विवेक, वो ये कि प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होंगे आज, क्योंकि पिछले मैच में मोहम्मद शमी और सूर्य कुमार यादव को देखा था, क्या आज अश्विन को मौका दिया जा सकता है? हाँ बिल्कुल प्रीति, ये जो इकाना का पिच है यहाँ पर स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ये इकाना का ऐसा स्टेडियम है जहाँ पर पहले 5 पिचेस जो हैं वो लाल मिट्टी के हैं और आखिरी के जो 4 पिचेस हैं वो काली मिट्टी के हैं। पिछली बार भारत और इंग्लैंड का मुकाबला यहाँ पर लखनऊ में हुआ था, वो काली मिट्टी वाली पिच पे हुआ था, ये लाल मिट्टी वाले पिच पे हुआ। और आपको बता दें कि आज से 2 दिन पहले जब टीम यहाँ पहुंची थी तो उसके बाद जो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत घास बची थी उसको भी ब्रश के साथ हटा दिया गया था। तो अगर लाल मिट्टी के पिच पर अगर आप ब्रश से जो घास है उसको भी हटा दोगे तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगा, इसीलिए बीच बीच में हल्का हल्का पानी दे के थोड़ा कवर किया जा रहा है कि ताकि बहुत ज़्यादा जो धूप पड़ रही है उससे एकदम से टूट ना पड़े। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होगी प्रीति आज की अगर हम 3 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया उतरे, यानी कि अश्विन भी आज का मुकाबला खेले, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि कौन सा फास्ट बॉलर आज जो है वो नहीं खेलेगा, मोहम्मद शमी, सिराज, या फिर हो सकता है कि आज टीम इंडिया बुमराह को भी मौका जो है रेस्ट करने का दे सके, लेकिन 3 स्पिनर्स डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है। सारे लोग यहाँ पर विराट और उसको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज ये रोहित शर्मा का बतौर कप्तान ये 100वां मुकाबला है, 100वां वनडे है जहां पर रोहित शर्मा आज टीम इंडिया के कप्तान होंगे। और इसीलिए आप देख सकते हैं यहां पर कि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ये आए हैं टीम इंडिया को देखने के लिए, और यही है यहां पर नेपाल से भी लोग आए हुए हैं विराट और रोहित को देखने के लिए। विराट तो रन बनाए जा रहे हैं लगातार, लेकिन आज रोहित के लिए भी बेहद खास दिन है क्योंकि आज बतौर कप्तान रोहित शर्मा का ये 100वां वनडे है। ठीक है, तो रोहित शर्मा पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और विराट कोहली से तो उम्मीद रहती है फैंस को, लेकिन वो जो बड़े बदलाव की बात की है GS विवेक ने, वो मैं अपने गेस्ट से भी बात करूं। ABP News आपको रखे आगे।